गोवा की गलियों में पूरा हिंदुस्तान दो रीजन से जाता है, टू फाइंड रिक्रिएशन एंड पीस और टू फाइंड फैनी। हालांकि जिस फैनी को हम ढूंढने जाते हैं वो कुछ अलग होती है। और दीपिका पादुकोण की नई फिल्म फाइंडिंग द फैनी की फैनी कुछ अलग ही है। ये एक बूढ़े पोस्टमैन यानी नसीर साहब का वो प्यार है जिसे वो ढूंढना चाहते हैं, और इस खोज में उनका साथ देते हैं दीपिका पादुकोण, डिंपल कपाड़िया, पंकज कपूर और अर्जुन कपूर। होमी अदाजानिया की डायरेक्टेड फाइंडिंग द फैनी पर्दे पर आ चुकी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये फिल्म कैसी है। वेल, इसमें दीपिका पादुकोण है तो थोड़ा ग्लैमर तो होगा, पर नहीं, ग्लैमर नहीं है। इसमें नसीर साहब और पंकज कपूर हैं, तो फिल्म आर्ट मूवी टाइप्स होगी, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं है। इतने सारे लोग हैं तो प्रियदर्शन ब्रांड वाली कॉमेडी होगी, पर उतनी हिलेरियस कॉमेडी भी नहीं है। तो फिर ये फिल्म क्या है? ये फिल्म है लॉजिकल सिनेमा, जिसमें कहानी में कहानी होती है, सिर्फ स्टार्स नहीं होते। न 100 करोड़ के मार्क की रेस होती है और ना ही उम्मीद। ये फिल्में तो बस कोशिश होती हैं, कोशिश फास्ट फूड के बाजार में चना चोर गरम को जिंदा रखने की, स्टार्स की दुनिया में कहानी को जिंदा रखने की। अगर आप एक ट्रू सिनेमा लवर हैं तो इस फिल्म से आपके 100 में से 100 रुपए वसूल होंगे। 50 रुपए तो केवल नसीरुद्दीन साहब वसूल करवा देंगे। ट्रस्ट मी, दिस फिल्म इज अ परफेक्ट एंटरटेनर फॉर अ परफेक्ट मूवी लवर।